अज 4 जून का दिन बेसहारियां दे मसीहा अते सेवा की एक नवी मिसाल पैदा करने वाले भगत पूरन सिंह जी का जन्म दिवस है। 20वीं सदी विच मानवता के भले हित महान दार्शनिक बेसहारियां दे मसीहा भगत पूरन सिंह जी का जन्म 4 जून 1904 नूं राजेवाल रोहणों तहसील खन्ना जिला लुधियाना विखे पिता शिबू मल अते माता महताब कौर दे घरे होया। बचपन तो ही इन्हां नूं सेवा करन दा बहुत शौक सी। घर विच गरीबी करके पढ़ाई विचाले ही छड्डनी पई अते नौकरी दी भाल विच माता नाल लाहौर जाना पिया। गुरद्वारा डेहरा साहब लाहौर विखे भगत पूरन सिंह बिना तनखाह तों सेवा करदे सन। भगत पूरन सिंह दा बचपन दा नां राम जी दास सी। गुरद्वारा डेहरा साहब विखे कीती निष्काम सेवा अते लाचार लावारस रोगियों की सेवा संभाल ने उन्होंने राम जी दास तो पूरन सिंह बना दिता। भगत पूरन सिंह ने मनुखता की सेवा का मुढ़ सन 1934 ईस्वी में 4 साल के बच्चे की सेवा तो शुरू किया। इस शरीरक तौर पर असमर्थ बच्चे गुरद्वारा डेरा साहब लाहौर की ड्यूड़ी अगे कोई चोरी छड़ गया सी। गुरद्वारा साहब के ग्रंथी ने इस बच्चे भगत जी के हवाले करके आख्या कि पूरन सिंह जी तुसी ही इस बच्चे की सेवा संभाल करोगे। भगत पूरन सिंह जी ले ये बच्चा प्यार दा सोमा हो निबड़िया, जिस करके उन्होंने उसका नाम भी प्यारा सिंह रख दिता। जदों देश की वंड हुई तो भगत पूरन सिंह उस बच्चे 18 अगस्त 1947 ईस्वी में खालसा कॉलेज अमृतसर के शरणार्थी कैंप में लैके पहुँचे। उस कैंप में हज़ारा मर्द औरतां ते बच्चे शामिल सन। सेवा संभाल कपड़े धोण अते उन्हां लई प्रसादे मंग के भगत पूरन सिंह लियांदे सन अते सब नूं वरतांदे सी। इत्थों तक कि अपने हत्थां नाल उन्हां दे मूँह विच बुरकियां भी पाउंदे सन। पूरे कैंप विच इकल्ले भगत पूरन सिंह सन जो ये सेवा निभाउंदे सी। इस उपरंत सन 1949 तो लैके 1958 ईस्वी तक फुटपाथ रुखां दी छावें अते लावारस अते पीड़ित लोकां दी उन्हां खूब सेवा संभाल कीती। सन 1958 विच अमृतसर विखे थां मुल खरीद के भगत जी ने पिंगलवाड़े की नींह रखी, जिथे मानसिक अते लावारस रोगियां अते बजुर्गां दी सेवा संभाल कीती जांदी। ये आश्रम जो कुछ क मरीजां नूं लैके भगत पूरन सिंह जी ने एक छोटे बीज के रूप में शुरू किया सी, अज 1700 तो वधेरे मरीज उत्थे रहिंदे ने, जिन्हां विच औरतां बच्चे अते बजुर्ग शामिल ने। इन्हां सब लई इह स्थान एक घर वर्गे सुखां दा साधन बनिया होया। गुरु की नगरी अमृतसर विखे यह पिंगलवाड़ा बस स्टैंड के नज़दीक चल रहा है। इस दे बानी भगत पूरन सिंह नूं भावें मुश्किलां बहुत आईयां पर वह अपने मिशन विच लगातार लगे रहे। पिंगलवाड़ा संस्था वल्लों इन्हीं दिनी कई तरह के स्कूल अते होर संस्थावां भी चलाईयां जांदियां ने, जिथे लोकां नूं अते खास तौर पर बच्चों नूं मुफ्त सहूलतां दित्तियां जांदियां ने। भगत पूरन सिंह जी के जीवन दीआं घालणावां संबंधी तस्वीरां दा एक संग्रह अजायब घर पिंगलवाड़ा विखे स्थापित किया गया है। भगत पूरन सिंह जी के जन्म स्थान उत्ते पिंड राजेवाल विखे भगत पूरन सिंह स्मारक का निर्माण भी शुरू हो चुकिया है। पिंगलवाड़ा अमृतसर के नज़दीक भगत पूरन सिंह यादगारी गेट भी उसारिया गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर विखे भगत पूरन सिंह चेयर की स्थापना भी की गई है। इस तरह भगत पूरन सिंह ने अपने समुचे जीवन दौरान बेसहारे लोड़वंद अते रोगियों की भलाई लई जो भी उद्यम किए वह मदर टेरेसा वल्लों किए भलाई के कम्मां तों घट नहीं। भगत पूरन सिंह जी नूं सन 1981 पद्म श्री अवार्ड दिता गया, जो उन्हां 1984 के हालात तो बाद अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए वापस मोड़ दिता सी। इस तो अलावा 1990 हामनी अवार्ड 1991 लोक रत्न अवार्ड भी उन्होंने दिता गया। भाई कन्हैया अवार्ड कमेटी वालों पहला भाई कन्हैया अवार्ड भगत पूरन सिंह बानी पिंगलवाड़ा सचखंड प्याना करन उपरंत 4 अक्टूबर 1995 दिता गया, जो डॉक्टर इंद्रजीत कौर मौजूदा मुखी पिंगलवाड़ा ने प्राप्त किया। इस तरह भगत पूरन सिंह जी ने गुरु साहिबान वालों दसे मार्ग उत्ते चलदियां सेवा का एक नवा उदाहरण, खास तौर पर हत्थी सेवा करन दा दुनिया विच अपनी किस्म का निवेकला उपराला किया, जिस लई उन्हां नूं रहिंदी दुनिया तक याद किया जाएगा। जैम टीवी वालों
भगत पूरन सिंह जी नूं सत्कार सहित श्रद्धांजलि।